जनपद संभल के चंदोसी कोतवाली इलाके के मुरादाबाद बदायूं हाईवे पर तेज रफ्तार टैंकर ने बाइक सवार दंपत्ति की बाइक में टक्कर मार दी। टैंकर की टक्कर से बाइक पर सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक चला रहा शख्स बाल बाल बच गया। मौके पर मौजूद लोगों ने हादसे के बाद भागने की कोशिश कर रहे टैंकर चालक और उसके एक साथी को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। सड़क हादसा जनपद संभल में चंदोसी कोतवाली इलाके के मुरादाबाद बदायूं हाईवे का है। सड़क हादसे का शिकार हुई मृतक महिला के पति प्रमोद शर्मा ने बताया कि वे चंदोसी में प्रगति विहार कॉलोनी स्थित अपने आवास से बाइक पर अपनी पत्नी के साथ चंदोसी में गणेश कॉलोनी में रहने वाले रिश्तेदार से मिलने जा रहे थे। जैसे ही उनकी बाइक मुरादाबाद हाईवे पर बदायूं चुंगी के समीप पहुंची, पीछे से तेज रफ्तार से आ रहे टैंकर ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। टैंकर की टक्कर से बाइक पर सवार उनकी पत्नी बाइक से नीचे गिर पड़ी और उनकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि वे बाल बाल बच गए। टैंकर की टक्कर से महिला की मौत के बाद टैंकर लेकर भागने की कोशिश कर रहे टैंकर चालक और उसके एक साथी को मौके पर मौजूद लोगों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने मृतक महिला के पति प्रमोद शर्मा की तहरीर के आधार पर टैंकर चालक के खिलाफ केस दर्ज कर सड़क हादसे की जांच शुरू कर दी है। आप कहाँ जा रहे? हम जा रहे थे गणेश कॉलोनी कंपनी लड़के के यहाँ। टंकरा देने के लिए ट्रक ने पीछे टक्कर मार दी। टक्कर पीछे टक्कर मार दिया। अरे भैया, तो आप साथ में थे? मैं मोटरसाइकिल आप मोटरसाइकिल आ रहे थे तो वहीं खत्म हुई है। तो टंकर वाले पकड़ गए? नहीं पकड़े अभी। टंकर वाले पुलिस वाले भैया हैं। आपकी चोट लगी है? मेरा नहीं लगी चोट। खून तो उठाएंगे। क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार। कहाँ रहते हैं? प्रगति बिहार चंदोसी।